नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से। आज मैं बात करूंगा जेपीएससी का, जो हमने लास्ट टाइम जो बनाया था वीडियो जिसमें सिलेबस का जिक्र कर रहे हैं। अभी सबसे पहले हम लोग सारा सिलेबस का जिक्र कर लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, किस किस चैप्टर में। उसके बाद हम लोग लास्ट में क्या करेंगे कि हर सब्जेक्ट का जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हर एक एक चैप्टर का टॉपिक को एक्सप्लेन करने का, पढ़ने का, बाकायदा उसको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से धीरे धीरे करके हम लोग ये जर्नी को स्टार्ट रखेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री में क्या क्या हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आज हम सारी चीज़ों को बात करेंगे, सारे डिटेल से बात करेंगे कि कौन कौन से इसमें चैप्टर्स हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। ये सारा जो मेरा टॉपिक लिखा हुआ है, सारा सिलेबस, जो इसमें से कोई भी चीज़ छूटा हुआ नहीं है, तो इसको ऑलमोस्ट मैंने 15-16 चैप्टर में डिफाइन किया हुआ है। लेकिन इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा 8 या 9 चैप्टर के। उसके बाद रिमेनिंग जो चैप्टर्स हमारे बच जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको शूट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, जो मैंने पहले एंशियंट का सिलेबस बताया है, मेडिवल का जो बताने जा रहा हूँ, या इन सारी कंप्लीट होने के बाद फिर मैं मॉडर्न का बताऊँगा, आप क्या करेंगे, सारा इस जो सिलेबस है, सिलेबस को आप A4 साइज़ के पेपर में बकायदा लिख लीजिए वीडियो को रोक करके। उसके बाद जहाँ पे आप स्टडी टेबल रखे हुए हैं, जहाँ पे पढ़ रहे हैं, इन सारे माइक्रो सिलेबस को, यानी जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सारे टॉपिक हैं, इन सारी चीज़ों को लिख लीजिए और उसी की तरह से आप सिलसिलेवार ढंग से तैयारी करते चलिए। इस तरह से क्या होगा कि आपका एक भी टॉपिक आपका छूट नहीं जाएगा और अच्छे से तैयारी होता चलेगा। तो चलिए आज हम देखते हैं मेडिवल इंडिया में। मेडिवल इंडिया में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, वह चैप्टर जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स एंड द एडवांस ऑफ बाबर टूवर्ड्स इंडिया, ये चैप्टर का नाम है हमारा। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते चलते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो बाबर थे वो बाबर कहाँ से आए थे, बाबर किस एक प्रकार से जो बिलोंग करते थे, वो तिमुराइट से वो लोग खुद को मानते थे, लेकिन अंग्रेज लोग आए थे तो उनको फिर मंगोल बोल सॉरी उन लोगों को मुगल बोले थे, है ना। तो इन सब चीज़ों को पढ़ना है कि तिमुराइट्स पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा तिमुराइट्स और ये उज्बेक्स, है ना, उज्बेक्स से एंड उज्बेक और ईरान के बारे में पढ़ना है, जो बीच में जो दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, है ना, और बाबर के बीच में, यानी ईरान उज्बेक और ये बाबर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके बारे में पढ़ना है। और लास्ट जो इसका टॉपिक है, एक प्रकार सब टॉपिक छोटा सा, वो है बाबर्स एडवांस टूवर्ड्स इंडिया। जो बाबर है वो इंडिया में किस तरह से आए और क्या क्या उन्होंने किस 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 लड़ाइयों को लड़ा। आगे नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसमें हमारा होगा स्ट्रगल फॉर एम्पायर। एम्पायर के लिए जो भी झगड़े हुए, जो भी लड़ाइयाँ हुई, ये हम लोग मेडिवल इंडिया की बात कर रहे हैं, मेडिवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो उन सारे स्ट्रगल्स को लिखना है जो एम्पायर के लिए नॉर्थ इंडिया में हुआ था। नॉर्थ इंडिया इन द सेंस कि जो हमारा दिल्ली के एरिया है, पाकिस्तान उस टाइम हमारा इंडिया में हुआ करता था, जैसे अफगानिस्तान हो गया, है ना, अफगान्स लोगों के साथ जो हुआ, राजपूत लोगों के साथ जो लड़ाई हुआ, उसके बाद मुगल्स, ये तीनों लोगों के, चारों लोगों के बीच में जो स्ट्रगल हुआ एम्पायर को लेकर के, कौन बनेगा राजा, इसको लेकर के इन सब चीज़ों में। तो इसका जो हमारा सब टॉपिक है वो है हमारा स्ट्रगल बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर। इस लड़ाई को आपको याद रखना है, इन लोगों के बीच में हुआ, इसके पीछे क्या क्या स्ट्रेटजी था, कौन कौन किसके साथ था, किस तरह से लड़ाइयाँ लड़ा गया, है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा बैटल ऑफ पानीपत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर ये क्वेश्चन आपका SSC हो, JPSC हो या MPPCS हो, इसमें क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बाबर्स प्रॉब्लम आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत। बाबर के साथ क्या प्रॉब्लम हुए बैटल ऑफ पानीपत के बाद। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा स्ट्रगल विद राणा सांगा, राणा सांगा के साथ जो स्ट्रगल हुआ उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम ऑफ ईस्टर्न एरिया, ईस्टर्न एरिया एंड अफगान, अफगान और ईस्टर्न एरिया के साथ क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या सिचुएशंस थे, इसके बारे में पढ़ना है। ये सारी चीज़ पढ़ना है हमें स्ट्रगल के बाद, स्ट्रगल में, जब एम्पायर का स्ट्रगल्स की जब बात हो रही थी नॉर्थ इंडिया में उस टाइम। लास्ट जो इसका टॉपिक होगा हमारा, वह है हमारा बाबर्स कंट्रीब्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हिज एडवांस एडवेंट इनटू इंडिया। बाबर का क्या क्या कंट्रीब्यूशंस रहा है एक प्रकार से इंडिया में, है ना, उन सारी चीज़ों को पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर के रूप में होगा वो तीसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है हमारा स्ट्रगल फॉर एम्पायर। पुनः हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रगल फॉर एम्पायर
इन नॉर्थ इंडिया। अब हमें यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे हुमायूं एंड अफगान। अफगान एंड हुमायूं के बीच में क्या क्या स्ट्रगल्स रहे हैं, क्या क्या झगड़े लड़ाइयाँ रही है, इसके बारे में पढ़ना। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है फिर इसी चैप्टर का, वो है अर्ली एक्टिविटीज़, मतलब शुरुआत का जो इन लोगों का एक्टिविटीज़ क्या रहा, जितने भी राजा बनने के लिए स्ट्रगल किए, आपका जो लड़ाइयाँ की है ना उसका, तो अर्ली एक्टिविटीज़ ऑफ हुमायूं, हुमायूं का शुरुआत का एक्टिविटीज़ क्या रहा, एंड टसल विद बाबर, और बाबर के साथ है ना बहादुर शाह, सॉरी बहादुर शाह के साथ क्या क्या उनका टसल रहा, क्या क्या उनके साथ विवाद रहे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है गुजरात कंपेन, गुजरात में आंदोलन, गुजरात में इन लोग कैसे अपना कंपेन स्टार्ट किए। नेक्स्ट है हमारा बंगाल कंपेन एंड स्ट्रगल विद शेर खां, शेर खां के साथ किस तरह का स्ट्रगल हुआ, और बंगाल का कंपेन। ये हमारा तीसरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस तरह से जो सिलेबस है आपको, देखिए सिलेबस का मैं जल्दी जल्दी से कंप्लीट इसलिए करा दे रहा हूँ ताकि ये तो मुझे कुछ करना नहीं, केवल एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना है कि कौन कौन से हमें इसमें चैप्टर में टॉपिक पढ़ने, क्योंकि इसको जब हम गहराई से जब पढ़ेंगे तो उस टाइम पूरा डिटेल से बात करते चलेंगे। चौथा चैप्टर के बारे में हम अगर बात करें तो चौथा चैप्टर जो हमारा है वो है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नॉर्थ इंडियन एम्पायर। जो हमारा नॉर्थ इंडिया में जितने भी एम्पायर का स्थापना हुआ या एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसके बारे में, पहला है इसमें सूर्स के बारे में, नेक्स्ट है शेर शाह है ना, शेर शाह के बारे में जो अर्ली शुरुआत में इन लोगों का लाइफ क्या रहा शेर शाह के बारे में, तीसरा टॉपिक के रूप में है कि सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड, इन लोगों का जो सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रहा है बिहार में, और एंड राइज ऑफ शेर शाह टू पावर, और शेर शाह किस तरह से पावर में आते हैं इसके बारे में पढ़ना है। पांचवा चैप्टर के रूप में हमारा है कि कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर अकबर। अब अकबर का जो एक्सपेंशन, अकबर एक बहुत अच्छा राजा माना जा रहे थे उस टाइम का, जो सम्राट थे एक प्रकार से, ये खुद को कैसे पूरा का पूरा एक्सपेंस किए, कैसे एक प्रकार से पूरा का पूरा इलाका में इनका कब्जा बना, कैसे है ना, और ये किस तरह से कंसोलिडेशन अपना बढ़ाएं, किस तरह से अपना अस्तित्व को ज़्यादा बड़ा करके रखे थे अकबर के बारे में। तो अकबर के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये अकबर का। इसमें देखिए पहले के कॉन्फ्लिक्ट, इनके किन कौन से विवादों में ये रहे हैं हुमायूं के साथ, जो सॉरी अफगान और हेमू, हेमू जो सेनापति थे है ना, हेमू के साथ क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट था, कैसे कैसे लड़ाइयों को लड़े, स्ट्रगल्स को पढ़ना है इसका, जो स्ट्रगल विद द नोबेलिटी है ना, बैरम खां, बैरम खां के साथ साथ इनका जो स्ट्रगल्स था। थर्ड वन है जो हमारा है ना, वो है हमारा रेजेंसी रिवोल्ट ऑफ उज्बेक के जितने भी अच्छे अच्छे लोग थे उन लोगों के साथ इनका क्या एक प्रकार से विद्रोह रहा है ना। फिर अर्ली एक्सपेंशन, शुरुआत में ये खुद को कैसे एक्सपेंस किए, जो आपका पढ़ना है 1560 ईस्वी से लेकर के 76 तक का, मालवा के बारे में पढ़ना है, गढ़ कटंगा के बारे में पढ़ना है, राजस्थान का इलाका, गुजरात में ईस्टर्न इंडिया में किस तरह से इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया, कैसे कैसे वहाँ तक अपने आप को इस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रिलेशन विद द राजपूत, इनका जो एक प्रकार से रिलेशन था राजपूतों के साथ कैसे था, क्योंकि देखिए जब ये अपना साम्राज्य को फैला रहे थे तो राजपूतों के साथ इनका किस तरह से गठजोड़ था, किस तरह से ये लेकर के चल रहे थे और अपना एक्सपेंशन को ज़्यादा से ज़्यादा ये बढ़ा रहे थे, उसके बारे में पढ़ना है। ग्रोथ ऑफ कंपोजिट रूल इन इंडिया, और किस तरह से ये इंडिया में पूरा का पूरा एक प्रकार से अपना रूल को इस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें रिबेलियंस एंड फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर इन द नॉर्थ वेस्ट, और किस तरह से ये पुनः फिर से अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं नॉर्थ वेस्ट में। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर हमारा सिक्स चैप्टर है, सिक्स चैप्टर में हमारा है स्टेट एंड गवर्नमेंट अंडर अकबर, अकबर के अंदर में, अकबर के कंट्रोल में जो स्टेट और गवर्नमेंट था उसके बारे में पढ़ना है, किस तरह से ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, अकबर का कॉन्सेप्ट क्या था है ना, गवर्नमेंट उनका सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट किस तरह से उनकी इस्टेब्लिश होती थी है ना, उसके बाद इसका डिस्ट्रिक्ट में का किस तरह के काम होता था, लोकल गवर्नमेंट इसका किस तरह से काम करती थी, इसका वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट का जो स्टाइल था, ये जो रूल करते थे इनके रूलर्स किस तरह से काम करते थे, इनका टैक्स और लैंड रेवेन्यू जो कलेक्शन सिस्टम्स था ये किस तरह का था है ना,
उसके बाद दशशाला सिस्टम इसका क्या था, उसके मनसबदारी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। और लास्ट में इस चैप्टर में पढ़ना है कि सिस्टम ऑफ सिस्टम एंड आर्मी, इनका जो सिस्टम और आर्मी किस तरह से काम करते थे। 7th नंबर जो चैप्टर है वो अकबर रिलीजियस व्यू, अकबर का जो है एक प्रकार से धार्मिक विचार क्या था या इनका नज़रिया क्या था धार्मिक को लेकर के, वो हमें पढ़ना है। रिलेशंस विद द उल्मा, उल्मा और सोशल रिफॉर्म्स, उल्मा के साथ और जो सामाजिक परिवर्तन रिफॉर्म में इनका क्या नज़रिया था। नेक्स्ट है अर्ली फेज, शुरुआत के फेज में इनका क्या व्यू था, सेकेंड फेज में इसका क्या व्यू था। नेक्स्ट इनका जो डिबेट, एक बार जो इन लोग अलग अलग धर्म के लोगों को बुला करके, और जैसे ऑर्थोडॉक्स जो बहुत ही कट्टर अपने आप को मानते हैं कि मैं इस धर्म का हूँ, मैं बहुत कट्टर हूँ, तो उन लोगों के साथ जो डिबेट था, इनको बड़ा एक प्रकार से सुनने का आदत था कि कौन धर्म वाले क्या चीज़ बात रखते हैं, कितना इन लोग का बात में लॉजिक है। उल्मा है ना, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मदद ए मास ग्रांट, और ये भी पढ़ना है हमें कि ये मदद ए मास ग्रांट किस तरह से, ये अकबर एक बार बहुत ग्रांट्स को भी रिलीज करते थे हर धर्म के लोगों के इंस्टीट्यूशंस को स्टेब्लिश करने के लिए, बनाने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए। थर्ड में है क्या, थर्ड एंड फाइनल फेज में हमें दीन ए इलाही के बारे में पढ़ना है, दीन ए इलाही स्टेट के बारे में। और इसका लास्ट जो टॉपिक है वो हमारे पॉलिसीज और रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में पढ़ना है। लास्ट है हमारा पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में। 8th नंबर अगर हम चैप्टर की बात करें तो 8th नंबर चैप्टर चैप्टर में हमारा होगा डेकेन एंड द मुगल। डेकेन का मतलब है महाराष्ट्र वाले इलाके में, जो हमारा साउदर्न इलाका जो है उस वाले का, है ना। डेकेन एंड मुगल के इन लोग का स्ट्रगल, ये हमारा कब तक का पढ़ना है, 1657 ईस्वी तक का। डेकेन स्टेट के बारे में पढ़ना है, मुगल के एडवांस टूवर्ड्स आगे कैसे डेकेन तक पहुँचे, मुगल का जो एक प्रकार से किस तरह से वो आगे चल करके अपना अहमदनगर वगैरह, या फिर एक प्रकार से बोलिए कि है ना बेरार, है ना खानदेश, इन लोगों में कैसे इनका एक प्रकार से जो जीते ही वो, है ना, इसके बारे में पढ़ना है। राइज ऑफ मलिक अंबर एंड इनका क्या क्या फ्रस्ट्रेशंस थे उस टाइम का, जो जब ये अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे, है ना। नेक्स्ट जो है हमारा वो मुगल अटेम्प्ट से है कंसोलिडेटेड कंसोलिडेशन का। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ अहमदनगर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ मुगल, मुगल का जो एक्सेप्टेंस है और अहमदनगर में इनका जो एक्सटेंशन था, ये पढ़ना है। इसके बाद शाहजहाँ के बारे में पढ़ना है, डेक्कन वाले एरिया में कल्चर के बारे में पढ़ना है, कल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था और डेक्कनी एस्टेट क्या था। लास्ट जो चैप्टर हम आज बात करेंगे वो आज 9th चैप्टर तक हम लोग बात कर लेते हैं, क्या है इनका जो फॉरेन पॉलिसीज रहे हैं मुगल के, मुगल के विदेश नीतियों के बारे में पढ़ना है, जिसका जो ट्रेड वगैरह होती थी तो किस तरह से उन लोगों का काम होता था। तो अकबर एंड उज्बेक, उज्बेक के साथ किस तरह का इन लोगों का ट्रेड पॉलिसी था या फिर फॉरेन पॉलिसी था, उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा द क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चन ऑफ कंधार, कंधार एंड रिलेशन विद द ईरान, ईरान के साथ इनका क्या रिलेशन था, और कंधार का शाहजहाँ शाहजहाँ और बालक कंपेन, ये हमारा शाहजहाँ और बालक कंपेन के बारे में पढ़ना है। मुगल पर्शियन रिलेशन, मुगल और पर्शियन के बीच में क्या रिलेशन था, ये लास्ट फेज के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं केवल एक प्रकार से समझिए कि मेडिवल इंडिया का जो हम लोगों ने आज 8 या 9 चैप्टर का बात किया, ये बिल्कुल आपका माइक्रो टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है। इन टॉपिक को आप सबसे पहले लिख लीजिए अपने नोटबुक में, कॉपी में, ताकि आप आने वाले टाइम में एग्जाम की तैयारी जब करें तो सिलेबस आपका बाकायदा बहुत अच्छे से आपके पास हो। कोई भी कमीशन का आप तैयारी कर रहे हो, इन सारे टॉपिक के अलावा कहीं से आपके क्वेश्चन, मोस्टली जो ज़्यादातर आपका पीटी और मेंस के क्वेश्चन जो बन पाते हैं वो इन्हीं सारे टॉपिक से बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग बात करेंगे 10 चैप्टर से लेकर के जो रिमेनिंग चैप्टर्स बचे हुए हैं मेडिवल इंडिया का, और उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।